दोस्तों, अभी 5 बज रहा है और मैं देखिए अपने सारे प्लान्स को वाटरिंग किया है, इसीलिए सब कुछ थोड़ा गीला गीला दिखेगा। सुबह मैंने फर्स्ट अपने इंडोर प्लान्स को जैसे वॉशरूम में पानी वगैरह दिया, उसका तो वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है। उसके बाद जब उसका काम खत्म हो गया, मैं बाहर आई। आके कल जो रोज़ मैं 3 लाई थी, उन तीनों को मैंने पहले पॉटिंग किया। तो ये देखिए, इन तीनों को मैंने पॉटिंग किया और अपने सारे जो रोजेज हैं उनके साथ ही रखा है, ये तीनों हैं, और पॉट्स को भी पेंट किया। तो 3 रोज मेरे हो गए हैं, तब रोज का पॉटिंग कंप्लीट हो गया। मैंने कल जैसे आपको बोला था कि मैंने प्लान के हिसाब से पहले मुझे अपने सारे जो पॉटिंग ना किया हुआ प्लांट्स हो उनको पहले मुझे पॉटिंग करना था आज सुबह। तो मैंने सारा पहले पॉटिंग किया, जैसे मेरे मेरी गोल 14-15 बाकी थे पॉटिंग करने के लिए। और यहाँ पर मैंने कल दिखाया था आपको कि पॉट में मैंने रख दिया था कि इस पॉट में मुझे इस प्लांट को पॉटिंग करना है उसके हिसाब से। फिर 2 जेरेनियम भी थे जो मैं लाई थी, तो सारे मेरी गोल्स और जेरेनियम मैंने पॉटिंग कर दिया एट लास्ट फाइनली। और आप विश्वास नहीं कर सकते मुझे कितना सुकून पहुंचा, क्योंकि मेरी गोल मैं 1 तारीख को लाई थी, उनमें से बहुत सारा प्लान में लाई थी ना, 1 तारीख को 50+ प्लान्स लाई थी, तो सब कुछ तो हो गया था। मेरी गोल सबसे हार्डी है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत रह गया था। तो मैं गार्डन उस साइड का गार्डन मैनेजमेंट में बिज़ी थी, तो इसलिए मेरी गोल को डेली सोचती हूँ कि आज करूँगी, फिर आज मैंने हो गया। तो पहला रोज़ पॉटिंग हो गया, उसके बाद मेरी गोल सारा पॉटिंग हो गया, उसके बाद एक पॉट को छोड़ के गेंदा का मैंने सारा पेंट कर दिया इस साइड का। उसके बाद इम्पेशन जो लाई थी वो भी मैंने पॉटिंग करके फिर उस पॉट को भी पेंट कर दिया। तो अभी देखिए रोज़ मेरा यहाँ पर ही रहेगा गर्मी में भी, क्योंकि इसमें फाइकस का छाव आता रहता है। फिर इस साइड पहला दिन तो मैंने दिखाया था कि इस साइड में हालत थोड़ा ख़राब था, फिर कल और परसों मैंने जैसे दिखाया कि मैंने थोड़ा बहुत प्लान कर लिया है कि यहाँ पर कौन सा प्लान्स रहेगा। फिर पॉटिंग करना और मुझे पेंट करना बाकी था, तो पॉटिंग एंड पेंटिंग आज हो गया, 1-2 रह गया है। फिर इस साइड मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस साइड एक गुड़हल जो आपको शायद याद होगा मैं लाई थी और चाइना पॉट में था, उसको आज पॉटिंग करके उस पॉट को भी मैंने पेंट कर दिया। और 2 एजेलिया, देखिए ये कल खिला नहीं था जब मैं वीडियो बना रही थी और मेरा हाथ में रंग लगा हुआ है तो इसको, और ये 2 एजेलिया जो मैं लाई थी, मैं एक्चुअली कलर दिखाना चाह रही थी खिलने के बाद कैसा लगता है, तो बाकी 2 एजेलिया के साथ एक साथ मैंने रखा है। और इन दोनों को भी मैंने मिट्टी के गमले में ही दिया है और पॉट को पेंट कर दिया है। तो फर्स्ट सुबह उठ के मैंने सारा, आज जब मेरा इंडोर का काम हो गया, मैं अपना सारा जो भी पॉलीबैग में प्लांट्स थे, ये कलंक कोई भी देखिए जो पॉलीबैग में था उसको मैंने पॉटिंग कर दिया, और पॉट में जो है वो तो है ही बाजू में, तो सारे प्लांट्स को मैं एक जगह लेके गई। फिर सारे को मैंने ना पॉटिंग किया, उसके बाद जो भी पॉट्स थे उन सबको भी पेंट कर दिया। इसीलिए उसके बाद सब करने के बाद मैंने वाटरिंग किया झाड़ू वाड़ू दे के। तो आप सोच ही सकते हैं मैं कितनी थक गई हूँ, तो मैं कल शायद कुछ भी गार्डनिंग वर्क नहीं करूँगी। हमेशा जिस दिन ज़्यादा काम करती हूँ मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट दिन नहीं करना है, बट रहा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ निकल ही आता है गार्डन में। तो ये साइड का तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला ही था आपको कि फाइनल हो ही गया है, क्योंकि ना कलर वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो सिर्फ मुझे एजेलिया को रखना था और प्लेसमेंट करना था, और गुड़हल को, एक ही गुड़हल छूट गया था मेरा पॉटिंग करने से, तो वो भी पॉटिंग हो गया एंड पेंटिंग हो गया। कलंकोई को मैंने इधर रखा है, तो रख के ना अच्छा से मैंने सब में आज पानी दे दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे पॉइंसेटिया अभी थोड़े धीरे धीरे कलर लूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, तो इसीलिए धीरे धीरे पॉइंसेटिया को मैं और भी छाँव में लेके जाऊँगी। फिर अभी 2 सेक्शन मेरा बाकी है, एक तो ये जो ग्रिल से निकलते हैं हमेशा आप देखते हैं मिक्स एंड मैच सेक्शन, इसमें मैं पॉट्स कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बड़े बड़े प्लांट्स और एक साथ बहुत एक साथ रहते हैं प्लांट्स, और पॉट कभी कभी दिखाई नहीं देता है क्योंकि पत्ते इतने सुंदर हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे इधर से उधर कुछ प्लांट्स को डालना है, कुछ प्लांट्स को निकलना है सीजन के हिसाब से। तो मैं नेक्स्ट इस कॉर्नर को करूँगी, उसके बाद ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं इसमें स्टैंड को मैं पहले पेंट करूँगी। अभी ब्लैक पेंट लगा हुआ है, मैं सोच रही हूँ वाइट करूँगी, करके इसमें जो कोलियास का मैंने बोला था कि पूरा स्टैंड को, ये बड़ा स्टैंड है 3 लेयर का, पूरा स्टैंड में मैं कोलियास दे दूँगी, ताकि कोई भी जब घर के अंदर आए उस स्टैंड में बहुत सारे कलर्स दिख जाएँ। तो अभी थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है आपको, तो इसीलिए उस स्टैंड का भी प्रोजेक्ट नेक्स्ट होगा। यहाँ पर देखिए 2-3 पॉट रह गया है, क्योंकि ये बीच में जो गेंदा का पॉट है इसमें पेंट नहीं है, क्योंकि मेरा पेंट खत्म हो गया। तो एक
एक लीटर और भी लाऊंगी। 2 लीटर में तो आप देख पा रहे हैं मेरा कितना ज़्यादा पेंटिंग हो गया है। और फिर ये कुछ प्लांट्स अभी भी मेरे ये वाला पॉट में लगे हुए हैं जो एकदम चिप पतला वाला प्लास्टिक होता है। इन सब का अभी मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे एवरी डे एक दो करके इन सबको मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दूँगी। फिर वो गमला धीरे धीरे एवरी डे एक दो करके पेंट कर दूँगी। लेकिन जो ओवरऑल जो सेटअप होगा वो ऐसा ही होगा। यहाँ पर मोस्टली ये सारे प्लांट्स ही रहेंगे, सिर्फ सीजनल को छोड़ के। सीजनल जब ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ पर गर्मी का सीजनल आएगा या नहीं तो मेक्सिकन पेटिना टाइप का कुछ आएगा। ओवरऑल ही रहेगा सेटअप। फिर और एक काम मैंने किया है, जो भी मेरे जैसे कि टेम्परेचर हम लोग का इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये देखिए एलोकेशिया जो पॉली है वो भी डोरमेंसी से अभी निकल आया है और अपना फर्स्ट पत्ता उसने खोला है तो बहुत सुंदर भी है। तो हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो पॉइंसीटा वगैरह अभी थोड़ा अंदर जाएंगे धीरे धीरे शेड के अंदर, ये थोड़े थोड़े धूप में आएंगे। तो मेरा और भी जो एलोकेशिया टेरेस में है उन सबको भी धीरे धीरे मैं नीचे लाऊंगी। और फिर ये देखिए ये कैलेडियम भी अभी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, तो इन सबको भी आज मैंने थोड़ा बहुत मैंने फर्टिलाइज़ किया है और सबको थोड़ा धूप देना स्टार्ट किया है एंड वाटरिंग रेगुलरली करना मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने कैलेडियम एंड अपने एलोकेशियस को। और ये देखिए एलोकेशिया हिलो ब्यूटी भी अभी पत्ता खोल रहा है। ये फुल डोरमेंसी में नहीं गया था क्योंकि इस बार हम लोग का सर्दी बहुत कम हुआ था, लेकिन फिर अभी इसका फ्रेश लुक आ रहा है। एक बार बरसात हो जाए उसके बाद बहुत एक कलर आ जाएगा, ग्रीनरी ऐड हो जाएगा, लेकिन हम लोग के सर्दी के प्लांट्स थोड़े ख़राब हो जाएंगे, वो भी एक बात है। तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट दिन मैंने एक साइड करके आप लोगों को दिखाया था, फिर आप लोगों ने बोला था कि सेकेंड साइड करने के लिए, फिर सेकेंड साइड मैंने फिर नो कल मैंने आपको प्लानिंग दिखाया कि मेरा ये प्लानिंग है, लेकिन प्लेसमेंट मैंने कर दिया है, स्पेस का आइडिया हो गया। तो आज मैंने पॉटिंग एंड कलर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, कलर 90% कंप्लीट कर दिया। एक नया 1 लीटर ला के जो थोड़ा बहुत छूट जाता है वो मैं कर दूंगी, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही रहेगा लुक। थोड़ा और भी ब्यूटिफिकेशन में करूंगी लेकिन ओवरऑल जो प्लान्स है वो ऐसे ही रहेंगे। तो आप मुझे बोलिएगा आज संडे जो जो भी मैंने काम किया आपको कैसा लगा और ये नया लुक कैसा लग रहा है, मेरा मेहनत आपको कैसा लगा। कल से हम लोग कोलियास का काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो जो पॉट्स छूट गए हैं वो सब पेंट भी करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।